गाइस, वेलकम बैक टू किटो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग कल कमेंट किए हैं सचिन और मनीषा का जो भी ब्लॉग आया था, उसमें दुनिया भर का कमेंट मेरे में आ रहा है कि जो भी उन्होंने ब्लॉग बनाया उससे देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये मुझे देखो पर्सनली कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि वो काफ़ी दिन से वो लोग अपने वहाँ पर हैं। और वैसे तो हमको नहीं लगता है कि उनके बीच में कुछ खनबन वैसा वैसा है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे में प्यार ही बना है। अगर कभी मनीषा को दिक्कत हुआ है तो सचिन भाई खड़े रहते हैं, अगर उसको हुआ तो एक दूसरे का ऐसे ही सपोर्ट है। बाकी अभी पता नहीं कैसे कैसे लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं और ऐसे कमेंट मेरे में आ रहा है कि मैंने उनको क्या बोलते हैं, मैंने मनीषा को भड़काया है। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्लॉग पे कमेंट मत करो कि हमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, हम ऐसा क्यों करने जाएं। हाँ, एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा मैं क्यों लगाने जाऊं, मैं कौन होती हूँ करने वाली, हाँ मैं कौन होती हूँ। उनकी लाइफ हो जाए, जैसे जिए, जिससे बात करे, क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन ये चीज़ आप हमारे लिए कमेंट मत करो कि मैंने किट्टो, खासकर किट्टो ने भरा हुआ है, क्या भरा है। अगर मनीषा आके कह दे कैमरे के सामने हमने कुछ कहा है तो हाँ हम मान लेंगे कि हाँ हमने कुछ कहा है, लेकिन हमने कहा ही नहीं तो कहेगी कहाँ से, और मैं कौन होती हूँ कहने वाली। बस मेरा ये सिद्धांत है भैया कि मेरे लिए कमेंट मत करो कि मैंने कुछ कहा है, अमित ने कुछ कहा है, इन्होंने कुछ कहा है। हम लोगों को कोई कुत्ता पागल नहीं काटा है कि किसी कपल्स को या फिर किसी के बीच में घुसने की, और मेरा कोई हक नहीं है ऐसे किसी के बीच में कुछ घुसने, मतलब उनको क्या, मैं किसी को ही नहीं बोल सकती ऐसे चीज़ें, क्योंकि तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है कुछ भी करने के लिए, तो उस चीज़ में हमारा घुसने का कोई मकसद नहीं है। वो चलो एक दो कमेंट आता तो आता, और ये भी कमेंट आया है कि मनीषा ने तुम्हारा नाम लिया है, ये कमेंट आया ना, मतलब उनके ब्लॉग के नीचे आप लोग आपका नाम ले रहे हैं कमेंट में। अच्छा, उनके ब्लॉग के नीचे, मनीषा सॉरी मेरे मुँह से निकल गया, ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैंने बोला है, मैंने भड़का, मैं क्यों भड़काऊं भैया, क्या मैं उनके साथ रहती हूँ 24 घंटा कि मैं कुछ उनको कहने जाऊँ, या फिर मैं उनको हमेशा कॉल करके बात करती हूँ, मैं ना तो किसी से बात करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं किसी भी क्रिएटर से बात नहीं करती, बस जब कोई मिलता है कुछ इवेंट होता है तो ही मैं किसी से मिलना जुलना होता है, बातें करना होता है, वैसे मुझे किसी से, मैं किसी से भी बात नहीं करती फ़ोन करके, किसी से भी नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए मत बोलो कि हमने किया, अगर एक कमेंट को देख करके सारे लोग कमेंट करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो और ये कमेंट करना छोड़ दो। मैं आपको दिखाती हूँ, ऑन कैमरा दिखाती हूँ कि कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए। अरे उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे लिए ही बोल रही हो, मेरे लिए थोड़ी ना बोल रही है, और मैं क्यों कहने जाऊँ, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या सुना है, क्या किया है, मैं क्यों कहने जाऊँ उनसे, मैंने कुछ नहीं कहा है, मेरा नाम मत लो। देखो कमेंट क्या आया है, मैं दिखाती हूँ, ऐसे मनीषा के नाम तुमने बारे, मनीषा के कान में तुमने भरे, ब्लॉग के नीचे लोग तुम्हें दोनों को नाम ले रहे हैं। अरे भाई, हम लोग का नाम ले रहे हैं, हम लोग का नाम, किट्टो की वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती, मत तो लगे भाई, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है सचिन मनीषा को किट्टो ने अलग करने की कोशिश की, मैं कौन होती हूँ अलग करने के लिए, मैं कौन होती हूँ। क्या सचिन मनीषा के बीच आप लोगों ने आग लगाया है, तो हमने नहीं लगाया भैया, हमने नहीं लगाया। और ये सब चीज़ें कमेंट ना मेरे लिए मत करो, ना तो हमने कुछ कहा है उनको, ना तो हम कुछ कहेंगे। एक पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उसमें दूसरे तीसरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और आपस में वो खुद सुलझा लेते हैं, तो इसमें तीसरे चौथे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बीच में भी होता है तो क्या हमको कोई समझाने आता है, फिर किसी और के बीच में होता है तो क्या हम उसको समझाने जाते हैं, हमको पता है कि सबके बीच में होता है, एक ना एक दिन वो एक हो जाएंगे, तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। और ना तो सचिन भाई ऐसे, ना तो मनीषा ऐसी है कि किसी के भड़कावे में आ जाएंगे, और ना तो हमने कुछ ऐसा बोला है। मैं ज़्यादा इसकी सफाई नहीं दूंगी और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, आप लोग मेरे पे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि हाँ हमने भड़काया है, तो मैं आपको क्लियर बता दी हूँ, मेरी उनसे कोई ऐसी बातें नहीं होती है कि जो मैं किसी चीज़ को लेकर के उनको बोलूँ, और मेरा तो कोई हक ही नहीं है ये सब चीज़ें कहने की, और मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बोलने जाऊँगी, मैं क्यों भड़काने जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप लोग मत बोलिए, ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई, बाबू का दूध खोला दिया, गर्म था ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और इसका ये देखो बोतल का कैसे हो गया है। अभी मैं प्रवीण को भेज रही हूँ ब्लाउज लेने के लिए, जहाँ पे मैं देती हूँ सिलने के लिए,
तो मैंने बोल दिया प्रवीण ब्लॉग डाल कर ही जाना, पहले लेके आ जाना ब्लाउज़, क्योंकि पता है सावन के लिए लोग भेजते हैं साड़ी वगैरह, अगर मैं सावन में ही ना बना पाऊँ, लोग खरीद ना पाएँ, तो फिर बेकार ही है प्रमोशन करने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं इसको चलती हूँ तह लगा लेती हूँ। ये रहे कपड़े, तह लगा लेती हूँ। और गैस मुझे कुछ ये बातें करनी थी कि जो हमने कोमल के मतलब कि बीने भाई के बेटी के बर्थडे में जो कपड़े दिए थे, तो बाप रे ब्रेड गिरा है यहाँ पे। तो उसमें देखो मैं ना तो ख़रीदने गई थी, और जब भी बच्चे को कोई कपड़ा देता है ना तो बड़ा साइज़ देता है, तो इंसान सोचता है कि चलो बड़ा दे तो काफ़ी दिन तक पहन ले। वैसे मेरे बच्चे बाबू को भी जितने लोग भी कपड़े दिए थे, तो एक ही दो कपड़े जो साइज़ के थे, साइज़ से आप लोग देखते होंगे जो भी कपड़ा पहनाते हैं ना बड़ा बड़ा साइज़ रहता है, बड़े ही रहते हैं। तो कभी कभी जैसे जो बड़े होते हैं ना उसको फोल्ड करके पहना देती हूँ, और जो भी कपड़ा किसी को देते हैं ना तो बड़ा साइज़ ही देता है। और वंदना दी गई थी लेने के लिए, उसमें से मेरे पे कमेंट कुछ लोगों का आया कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, किसी ने बोला कि नहीं कपड़ा तो अच्छा ही नहीं है, पर देखो बच्चे के हिसाब से मैं गई होती तो फिर, वैसे बंदा इतना ख़राब भी कपड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है, वंदा दी का पसंद बहुत अच्छा है, वो गई थी लेने के लिए और वो अच्छा ही ख़रीदी हैं। बाकी थोड़ा सा बड़ा ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैंट का साइज़ आ गया, टी शर्ट जो ऊपर का है थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े ऐसे दो कि जो पहन सके, ये चीज़ सिद्धांत है। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा कुछ दिया है, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करो। और कपड़े दोनों बहुत प्यारे थे, और उसके बाद मैं नहीं गई थी, अगर मैं जाती तो मैं भी ऐसे कुछ खरीद के लाती हूँ, वंदना दी का भी पसंद तो अच्छा है ही। तो चलिए हम इस चीज़ को क्लियर कर दिया और हम चलते हैं, कपड़े तय लगा लेते हैं पहले। तो गाइस मेरा डेली का काम यही होता है कि कपड़े सुखवाओ, मेरा क्या हर एक लेडीज़ का काम ये होता है कि कपड़े उतारो सुखाओ, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो करना ही पड़ता है। भैया को दे दे, ये भैया को दे दे, आप भी जाओगे जाओगे जाओगे, अभी तक इसको ना फीवर का थोड़ा सा दवा पिला देते। दूध दे जी। क्या क्या तू बेटा जी? ये तो प्रवीण ये दे देना, ये गेट पे ही दे देना, वो आएंगे। क्या लोगे बेटा ये? क्या बोल रहा है यार? आप देखिए क्या लेगा, क्या लेगा बता, क्या क्या लोगे, क्या लोगे? ये बॉटल देखो सारा मलाई जम गया है ना, भैया को दे दे, स्कूटी से जाएंगे, देख के आएंगे, झोला कहाँ है, रुक जाओ, एक बैग धुली थी, इधर आ रहे बेटा, आओ आओ, पहले एक कपड़े डाल दूंगी, आ जाओ। फू फू क्या फू? ये प्रवीण भैया का है। चलो बाबा पास। कल ये कपड़ा क्या पहन के गए थे? जीन्स वही पहन के गए हैं क्या? पीछे कपड़ा टांगा होगा, क्या पता। कल ये क्या पहन के गए थे? जब ऐसे तो क्या पहने थे ये? कल शायद टी शर्ट पहना था। जीन्स भी तो पहने होंगे। पता है मैं कल इनका पैंट धुल रही थी, उसमें 150 to 200 रुपये था, ऐसे से। मैं जब यहाँ बाहर आती हूँ ना तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू पता नहीं किस चीज़ की आती है। उसके आई है ना शैम्पू की? शैम्पू की नहीं, पौधों की। नहीं जैसे कोई ना कोई कुछ बना रहा हो, जैसे खाने की। हाँ खाने की। मैंने वाशिंग मशीन चालू किया है, ये देखो चालू किया है क्या? तुम ना वही गेट पे दे देना, फिर मैं उनको बोल दूंगी कि मैंने कुछ कपड़े ये दे देना। क्या बेटा
भैया जा रहे ना, जा रहे ब्लाउज लेने, तो मम्मा फिर रेडी होगी। अरे आपका तो पैंट धुले ही नहीं, क्या लोगे रुमाल? कौन सा फोन मांग रहा है ये? बॉटल उठाओ, बॉटल उठाओ, ऐसे फेंकते हो, पकड़ो पकड़ो। तो गाइस यहाँ पे हम बाबू के लिए दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि बाबू को मेरे ना सो के उठता है तो उनको भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे इनके लिए दूध निकाल रही थी और वो नीचे से पीछे से चिल्ला रहा है, मतलब इसके नीचे ही है तो वहाँ से चिल्ला रहा है मम्मा दूध, मम्मा दूध। तो मैं इसको दूध निकाल करके दे देती हूँ और फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है तो लगता है कि यार दूध को बाहर ना रखो, और हमेशा मेरे से दूध बहुत ज़्यादा फटता है। तो यहाँ पे मैं खाने तो खाने के लिए निकाल तो रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग पे ना वही सारे कमेंट्स मेरे लिए ये चीज़ आ रहा है, मतलब ये ब्लॉग उनका, उनको किसी और को कहना था, जिसको भी कहना था कहें, पर उसमें मेरा नाम आ रहा है और बहुत सारे लोग का नाम आ रहा है, लेकिन जो नहीं बोला है, अगर जो नहीं बोला होगा, जो नहीं उसको उनको भड़काया होगा, तो उस चीज़ के लिए बुरा लगता है। और सच में यार मैं उनको क्या, मैं किसी को नहीं कहती, एक तो पति पत्नी के बीच में सच में कभी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है कि वो जन्मों जन्म तक होता है, और हर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है तो लोग आपस में समझ लेते हैं, तो इसमें तीसरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना मुझे ना किसी और को। बाकी उन लोग के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि किसी के कहने से टूटेगा नहीं, मेरा तो ये है क्योंकि हमने देखा है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और रही बात मनीषा अपनी बात शेयर करने की, तो ये सब चीज़ें जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो शेयर, मतलब उसमें लोगों ने बोला कि किट्टों से शेयर की होगी तो उसने भड़काया होगा, नहीं यार देखो सबके बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, पर ऐसा उसने जो चीज़ मतलब कल की वीडियो में डाली वैसा उसने कुछ भी शेयर नहीं किया है। बाकी वो बहुत अच्छी है और सचिन भाई बहुत अच्छे हैं, बस भगवान से दुआ है कि सब वो लोग अच्छे से और आगे तक रहें, और जो कुछ भी उनके आपस में अनबन हुआ है तो वो सब सही हो जाएगा, वो सबके साथ होता है, वो सब एक दूसरे को समझते हैं तो सब सही हो जाता है। और देखिए कृति कैसे मम्मा को परेशान नहीं करते, बेटा सॉरी बोलिए, मम्मा को सॉरी बोलिए, देखो गाइस ये मेरे को ना किस कर रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने अपने खाना और अपने बेटे के लिए खाना निकाल लिया है, फिर अब मैं जाऊँगी, मैं और मेरा कुच्चा खाएगा, साथ साथ में खाएंगे, अभी हम लोग सिंगल सिंगल हो गए हैं, हम और मेरा बेटा बिल्कुल अकेला, मेरा बेटा तो अकेला फील नहीं करता लेकिन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हाँ मैं कृति को खाना खिला लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो मत नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, वैसे तो हमारे ऊपर खुद ही दुखों का पहाड़ चल रहा है फिर भी नहीं, बस इसको ही थोड़ा देख देख के हंसना आ जाता है। अभी बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है तो मैं उठा ही नहीं रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का। मम्मा ने खाना खिला दिया ना, अब ज़्यादा बातें नहीं, अब मम्मा जा रही है वीडियो बनाने, ठीक है थोड़ा वीडियो बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चलिए गाइस इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।